ओए होए पीयूष कैसे हो? प्रणाम सर, मैं बहुत अच्छा हूँ. एहसान तेरा होगा मुझ पर. मैंने सबसे पहले गाना मेरी दादी जी से सीखा है. कुछ फैमिली डिस्प्यूट हो गए थे तो मैं जुदा हो गया हूँ. 3-4 साल से दादी जी से बात तक भी नहीं हो रही है. आज आपके इस परफॉर्मेंस से बात बिगड़ी हुई बात सुलझ जाएगी. मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो मेरा परफॉर्मेंस होगा उसको सुनकर मेरी दादी जी जरूर खुश होंगी और मुझसे जरूर बात करेंगी. गुड लक. थैंक यू मैम. दादी का आशीर्वाद तेरे पास है, बिल्कुल टेंशन मत ले. थैंक यू सर. हम सब तेरे साथ है. जेन्युइनली आपकी परफॉर्मेंस वाज अ लेसन इन मतलब कैसे ठहराव के साथ कैसे गाना चाहिए, कैसे एक गाने को समझ के गाना चाहिए. श्रेया ने तेरे लिए स्पेशल मैसेज भेजा. अच्छा सर. हाँ सुनाता हूँ तेरे को.
आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इतने बड़े मन मुकाम पर पहुँचे हो और सोनी मंच पर तुमने बड़ा मुकाम हासिल किया है। तुमने ये करके मेरा और हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। मैं हमेशा यह चाहूँगी कि तुम इससे भी ज़्यादा उन्नति और अपने सपनों को पूरा करोगे। तुम्हें आज उस जगह देखकर मेरी आंखें नम हो गई है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। थैंक यू सो मच इंडियन आइडल। कैसा लग रहा 3 साल बाद तेरा दादी का मैसेज सुन के? सर बता नहीं सकता, इतनी खुशी हो रही है और एंड आई एम सो थैंकफुल टू इंडियन आइडल एंड ऑल ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। पर आप अगर ऐसे गाते रहे ना, आई प्रॉमिस यू दादी जी खुद आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। Because you keep ending it up, each of the 30 feet, Texas will not do it.
आज के डेट पे जितने आजकल के यू नो यंगस्टर्स हैं जो गा रहे हैं, कोई अगर ग्लोबल आइकॉन बन सकता है वो है अंजना. शी इज दैट. थैंक यू सो मच फॉर किसी अमेजिंग ग्लोबल आइकॉन से एक आपकी तारीफ एज अ ग्लोबल आइकॉन सुनकर बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सलीम सुलेमान के म्यूजिक का कोई मुकाबला नहीं है, इनके गाने का कोई मुकाबला नहीं है, विशाल डडलानी की आवाज का कोई मुकाबला नहीं है, और श्रेया तो कौन ही मुकाबला करेगा, कोई नहीं करने वाला. लेकिन जब यहाँ पर हमारे पास सलीम सुलेमान है, विशाल है, उनका एक बहुत ही प्यारा गाना है कुर्बान हुआ, तेरी तिश्नगी में यूं कुर्बान हुआ, तेरी आशिकी में यूं बेखुदी में बेगली में बेकसी में हुआ, तुझको हर दुआ दी और जगा दी और फना हुआ कुर्बान हुआ. बात बताना चाहूंगा, जिनकी फिल्में देखकर जिनके गानों पे हमेशा ऑडियंस ने सीटी मारी है ना, आज वो खुद सीटी मार रहे हैं. भाई देखिए, जब हम सिनेमा हॉल में ऑडियंस की सीटी सुनते थे ना, तो हम जाके सो जाते थे कि पिक्चर हो गई हिट, हो गई हिट. अब इसने मेरी सीटी सुन ली तो वही वर्डिक्ट है. अब क्या लफ्जों में बोलूं मैं और कुछ. सीटी. मेरे लिए ये सिटी मार परफॉर्मेंस है. वॉकल वॉकल मचा दिया, माल कर दिया.
Thank you, sir. Thank you so much, sir. Director's challenge क्या होता है? हर composer को पता है, हर singer को पता है. सुनने वाले को या देखने वाले को क्या महसूस होना चाहिए? वो director सबसे ज़्यादा जानता है. उस चैलेंज पे खरा उतरना. जब महेश भट्ट साहब आपको कहें कि आपने ये गाना बेहतरीन गाया, there's nothing bigger than that. Thank you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.